देहरादून जिले में जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू का खतरा देखते हुए संबंधित विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए, तो वहीं दूसरी ओर विकास नगर की ग्राम पंचायत अधवाला में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के गेट के निकट गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। जहां एक तरफ राजधानी देहरादून में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी ओर विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय की बाउंड्री वॉल से लगा हुआ मधुबन रेस्टोरेंट का पूरा वेस्टेज कूड़ा विद्यालय के गेट के समीप खुले में डाल दिया जाता है। कई बार रेस्टोरेंट संचालक से कूड़ा ना डालने के लिए कहा गया, लेकिन रेस्टोरेंट संचालक पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिस कारण विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर डॉक्टर मनोज उप्रेती, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ने बताया कि देहरादून जिला अधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों और अस्पताल की साफ सफाई की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक की होगी, लेकिन इस विद्यालय के बाहर गंदगी का अंबार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समस्या से संबंधित अधिकारी जिला अधिकारी के आदेशों का कितना पालन कर रहे हैं। विकास नगर से राहुल सिंह रावत की रिपोर्ट। ये सब उसका है, मधुबन होटल वाले का, ये हमारा नहीं है। इसको हमने मालिक को, होटल मालिक को बार बार बोल दिया जी। तब भी वो नहीं हटा रहा। क्या कहते हैं होटल मालिक? वो कहता है आपको क्या परेशानी है? ये नगर निगम के माध्यम से जो अपने सभी जगह और हमारी जिलाधिकारी महोदय ने भी इसमें एक मीटिंग वगैरह भी ली थी, जिसमें कि सभी को ये बता दिया गया है, पूरा ब्लॉक स्तर तक भी, कि साफ सफाई की व्यवस्था हमको देखनी है, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेजेस हों, चाहे वो ऑफिसेज हों, जहाँ पर कि सभी को उसमें ये था कि भाई हर जगह एक नोडल अधिकारी जो है उस विभाग का बना दिया जाए, जो कि ये सारी साफ सफाई और देखे कि भाई कहीं पानी वगैरह तो नहीं जमा हो रहा है, गंदगी तो नहीं।